हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिंपल ब्लॉग्स विद शालिनी में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सबसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ डेटॉल के हैंड वॉश का रिव्यू। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिटॉल का हैंड वॉश, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सुपर सेवर पैक है 8 मंथ का। तो ये डिटॉल का स्किन केयर का जो आता है, ये स्किन केयर वाला हैंड वॉश है यहाँ पर, और इसमें आपको पीएच बैलेंस के साथ ये हैंड वॉश आपको मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बैक साइड में आप इसका प्राइस वगैरह देख सकते हैं, और साथ में इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किया हुआ, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर ये मुझे मिला है। प्राइस मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ स्क्रीन पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन किया गया। तो स्किन केयर का लिक्विड हैंड वॉश है, और यहाँ पर इसका सारा कुछ मेंशन किया गया है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस हैंड वॉश को भी मैंने कई बार यूज़ किया है, तो यूज़ करने के बाद ही मैं आपसे यहाँ पर इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है, इसको किस तरीके से यूज़ करना, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो हैंड वॉश है ये केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको यूज़ करने के लिए। और साथ में आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की गई 1.5 लीटर इसकी यहाँ पे क्वांटिटी है। काफ़ी बड़ा ये पैक है हैंड वॉश का। और साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें वगैरह डली हैं, मतलब क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह डले हैं, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस हैंड वॉश को मैंने यूज़ किया है, तो इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी, किसका जो कलर कैसा है और कैसा इसका यहाँ पर टेक्सचर है। तो फिर इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कई हैंड वॉश के रिव्यू ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह के कई हैंड वॉश के रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर करे हैं। तो अभी इस हैंड वॉश को देखते हैं फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर कैसा है। अभी मैं इसको आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाने वाली हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, एक खाली रिफिल का ये है, तो इसमें हम हैंड वॉश को निकाल कर रखेंगे। तो इससे पहले भी मैं यही हैंड वॉश यूज़ कर रही थी, तो इसी में हम इसको दोबारा से इसमें डालेंगे। तो इसको मैंने कई बार यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद ही मैं आपसे यहाँ पर इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर है, कलर तो इसका यहाँ पर वाइट है, क्योंकि ये डिटॉल का जो स्किन केयर होता है वो वाला हैंड वॉश है। तो कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कलर जो है वाइट ही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका कलर है, आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये हैंड वॉश है। तो काफ़ी अच्छे से हैंड हाथों को ये क्लीन करता है, लेकिन इसमें एक जो है प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, जैसा कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि इससे मतलब इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो इस वजह से जो है हाथों में थोड़ा सा रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने यूज़ किया है तब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ इस हैंड वॉश का। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हुआ मुझे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तभी मैं आपको यहाँ पर इसको अपना जो हाथ है उसको वॉश करके भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरीके से है, बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है गाढ़ा है। अगर इसका टेक्सचर लाइट होता, थोड़ा सा लिक्विड इसका और होता तो ये अच्छा होता। तो इस वजह से ये हैंड वॉश थोड़ा सा मुझे कम ठीक लगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथों में जो है वो दाने वगैरह हो गए थे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करती, और बाकी घर में सब लोग हैं वो यूज़ करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर आपकी भी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इस हैंड वॉश को। इससे अच्छा अगर आप कोई हैंड वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो एक आता है संतूर का, वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो उसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो आप सबको कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।